हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और बनाती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस अराउंड ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल इन जर्मनी एंड अराउंड यूरोपियन कंट्रीज। एक्चुअली मुझे लेने जाना है एक हैंड ब्लेंडर स्मूदीज वगैरह बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जा ही रही थी तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स इन जर्मनी। वैसे अपने यहाँ पे जैसे बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर डीलर्स होते हैं जिनके यहाँ पे आपको टीवी, फ्रिज सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर जर्मनी में मैंने नोटिस किया है कि ऐसे छोटे छोटे शॉप्स बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बड़ी दुकान होती है, जैसे बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गई, उसी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो वहां पे आपको बल्ब से लेके पेन ड्राइव वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। इस मॉल के अंदर है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सैटन, तो चलते हैं अंदर। आई होप मुझे रिकॉर्ड करने की परमिशन मिल जाए। तो सैटन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर परमिशन मिल गई है रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे है यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जर्मनी में। तो मैं सैटर्न के अभी अंदर हूँ इसलिए मास्क पहनना कंपलसरी है, तो मैं मास्क पहन के ही रहूंगी। पर आपको दिखाती हूँ मैं अभी कहाँ पे हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये जो पूरा फ्लोर है, आप दूर दूर तक देखो, पूरा जो फ्लोर है ये सारा है म्यूजिक, गेमिंग और सॉफ्टवेयर के लिए। ये देखो मेरे पीछे, और ये है सारा PS4 के कलेक्शन, गेमिंग कलेक्शन और बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी सीरीज है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे इतना सरप्राइजिंग लग रहा है कि यहाँ पे इतना ह्यूज कलेक्शन है म्यूजिक का, और वो भी सीडीज और ग्रामोफोन की सीडीज भी। ये देखो बीटल्स से लेके एल्विस प्रेसली, इन सबकी यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग सुनते हैं सीडीज भी। ये सरप्राइजिंग बात है। और वर्ल्ड म्यूजिक, पॉप और रॉक, ये सारे म्यूजिक की सीडीज है। ये देखो, मुझे लगता है इंडिया में तो आई गेस प्लैनेट एम जब नया नया खुला था तब वहां पे कल्चर था कि लोग जाके हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुनते थे। यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे है कि आप हेडफोन्स पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा म्यूजिक सुनना है। मच इन टू गेमिंग एंड ऑल, पर अगर आपको लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग गेम है जो मैंने ट्राई करना चाहिए तो मुझे प्लीज बता देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। और ये देखो, ये रहा पूरा सेक्शन, ये तो इतना पूरा हेडसेट का कलेक्शन है यहाँ पे। तो देखते हैं, अभी नीचे का भी एक फ्लोर है जहाँ पे है सारे लैपटॉप्स एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सारी चीजें हैं। तो चलती हूँ नीचे वाले फ्लोर पे और दिखाती हूँ कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे। ये है वॉशिंग मशीन और ड्रायर का सेक्शन। तो जर्मनी में ड्रायर का भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहीं पे आके देखा है कि जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है वहाँ, इसमें कपड़े धोने के बाद आप ड्रायर यूज कर सकते हो जिसमें कपड़े सूख भी जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन और ड्रायर की प्राइजेस डिपेंडिंग ऑन ब्रांड लगा लो 200 से 1000 तक, 1000 1500 तक भी है। जैसे ये वॉशिंग मशीन 1500 की है सैमसंग की, और ये राइट साइड पे उसका ड्रायर है। तो वैरायटी है डिपेंडिंग ऑन ब्रांड्स, सीमेंस, वॉश, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, लोकल ब्रांड्स भी है। और अब मैं खड़ी हूँ उस सेक्शन में जहाँ पे होता है सारे झाड़ू पोछे का जुगाड़। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो सारे वैक्यूम क्लीनर है जो कि अराउंड 200 से 1500 तक के प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। अलग अलग ब्रांड्स के भी है, जैसे डायसन के भी है यहाँ पे। और फिर है यहाँ पे रोबोट्स भी, तो रोबोट्स भी यहाँ पे क्लीनिंग के लिए बड़े हेल्पफुल है। आजकल तो ये इन्हीं का चल रहा है जमाना, तो आप बस लगा दो रोबोट्स को और वो पूरा घर क्लीन कर लेते हैं। वैक्यूम क्लीनर हाथ में लेके घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
तो दिखाती हूँ मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स और कितने के है ये रोबोट और वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पे रोबोट्स दिख रहे हैं 200 यूरो से शुरू होके 500-600 यूरो तक है। मैं क्विकली आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे रही हूँ, ये 539 का है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। देखो एक 649 का भी है, आई एम नॉट श्योर ये कौन सा ब्रांड है। डीबूट का रोबोट है ये, और ये बहुत ही फैंसी लग रहा है, AEG ब्रांड का 789 का। बट उससे भी हैपनिंग एक मेरे को दिखा है बहुत ही फैंसी सा, दिखाती हूँ आपको, ये डायसन का रोबोट। ये देखो ये है डायसन का रोबोट जो बहुत ही फैंसी लग रहा है। इसकी प्राइस है 999 बट अभी मिल रहा है 877 का। और यहाँ पे तो झाड़ू पोछे का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब झाड़ू ऐसा मिलता भी नहीं है यहाँ पे, मैंने तो कोई सी जर्मन स्टोर में नहीं देखा है। मिलेगा तो शायद से इंडियन स्टोर में मिल सकता है झाड़ू। तो यहाँ पे लोग अपनी घर की सफाई करते हैं वैक्यूम क्लीनर से, और वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे बड़े आसानी से मिल जाते हैं, मतलब सस्ते भी मिल जाते हैं, 30-40 यूरो से। जो लोकल ब्रांड या ऐसा कोई ब्रांड है, ओके ब्रांड है यहाँ पे सैटर्न में, उसके मैंने देखा 40 यूरो से भी मिलता है वैक्यूम क्लीनर, और रेंज उसकी बढ़ते तक 1,500-2,000 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड अगेन कि आप कौन सी उसमें कॉन्फ़िगरेशन लेते हो, कि वो रोबोट क्या क्या कर सकता है या वैक्यूम क्लीनर क्या क्या कर सकता है। तो प्राइसेस वही है, 30-40 यूरो से स्टार्ट होके आपको वैक्यूम क्लीनर भी मिल जाएगा। और ये ऐसा वैक्यूम क्लीनर दिखा है जो ड्राई क्लीनिंग भी हो जाता है, मतलब ड्राई फ्लोर भी साफ कर लेता है और गीला पोछा भी लग जाता है। तो ये देखो एक्वा प्लस है, थॉमस ब्रांड का है, और ये कुछ आता है 375 का। और ये है सारा बर्तन धोने वाले मशीनों का सेक्शन, ये देखो ये सारे मशीनें हैं जिसके अंदर बर्तन धुलते हैं। मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ आपको कि कैसे अंदर से दिखती है मशीनें और इसकी प्राइस रेंज क्या है। तो ये देखो इतनी सारी मशीन्स अवेलेबल है, 200 से लेके 1000 यूरो तक ये सारी डिशवॉशर बोल सकते हैं, डिशवॉशर है। एक एग्जांपल ये सिमेंस का देती हूँ मैं, 699 का, ये देखो। तो इसके अंदर आप आपके बर्तन डाल सकते हो, ये स्पून्स के लिए सेक्शन भी है अलग से, एंड ये आप यहाँ पे एक टिक्की आती है, मुझे पता नहीं अभी इसका ये कैसे ओपन करना है। हाँ तो यहाँ पे आप साबुन आता है स्पेशली डिश वॉशर के लिए, वो यूज करके ये ऐसे बंद करके, अलग अलग सेटिंग्स होती है कि आपको बर्तन कितने टाइम के लिए और क्या क्या आपने पॉट डाला है, चम्मच डाले, कप या ग्लास डाले, उसके हिसाब से आप सेटिंग सिलेक्ट करके इसको यूज कर सकते हो। और आपने कभी 30,000 की आयरन सोची थी कि 30,000 में इस्त्री मिल सकती है, बट यहाँ पे लगा लो 9 यूरो से लेके 350 यूरो तक यहाँ पे आयरन मिलती है। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे एक आयरन है वो मिल रही है 10 यूरो की, और ये है सारी बॉश ब्रांड और फिलिप्स ब्रांड की आयरन, और सबसे एक्सपेंसिव मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये है 369 यूरो की आयरन। ये है सारा सैंडविच मेकर, तो ये बड़ा सस्ता मिल जाता है, 13-10 यूरो से भी सारे सैंडविच मेकर मिल जाते हैं। मैं अभी एक एक चीज नहीं कवर करूंगी, मैं एक पटाख से आपको एक ग्लिम्स दे दूंगी कि क्या क्या है यहाँ पे अवेलेबल। जैसे ये कुकिंग प्लेट भी है, जैसे इंडक्शन होती है ना, ये 159 की भी है, एक नॉर्मल छोटी वाली 65 यूरो की है। और मेरे पीछे है ये सारे जर्मनी के किचन, तो किचन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये है यहाँ का गैस स्टोव, मतलब यहाँ पे जो प्लेट्स होती है इसी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से ये ऑन हो जाके यहाँ पे खाना बनता है, और साथ ही ये आता है माइक्रोवेव के साथ। तो इनका खाना तो माइक्रोवेव के बिना तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग ज्यादा करके फ्रेश खाना तो बनाते ही नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारा खाना तो इनका ओवन में ही बनता है। तो ओवन इज समथिंग विच इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट यूरोपियन हाउस होल्ड्स में, और ये सारे किचन में होता ही है। और वो है सारे एयर फ्रायर, और ये ऊपर है सारे केक बेकिंग के लिए जो मशीन्स होते हैं, बेकिंग के लिए नहीं, इनफैक्ट बैटर बनाने के लिए जो मशीन्स होते हैं वो है। और मैं दिखाती हूँ आपको एक ऑल इन वन आइटम यहाँ पे जो मुझे दिखा है। तो यहाँ पे तो रेगुलर कुकर होते नहीं है, बट ये ऐसे निंजा का कुकर दिख गया है, जहाँ के जिसके अंदर प्रेशर, स्टीम
और सॉटे भी हो जाता है और एयर फ्रायर का भी काम हो जाता है, ग्रिल, तो इतने सारे फंक्शन है। तो एक ही इतना बड़ा सा कुकर दिख गया है 285 यूरो का, जिसके अंदर ये सारे फंक्शन ऑल इन वन हो जाते हैं। यह सारा हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर का सेक्शन, तो ये तो बड़े सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे देखो ये एक छोटा वाला 10 यूरो का है, और नॉर्मल ब्रश तो हर जगह पे देखे। ये है सारे इलेक्ट्रिक ब्रश का सेक्शन, ये देखो इतने सारे इलेक्ट्रिक ब्रश है। ये आता है 19 यूरोस का, ये तो बच्चों के लिए है, बट नॉर्मली ये देखो 30 यूरो से, बट बड़े महंगे भी होते हैं यार। मैंने ये देखे 121 यूरो का। ये कौन से ब्रांड का है? ओरल बी का इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इतनी सारी वैरायटी है टूथब्रश की, और वो भी इतने ज्यादा महंगे। हालांकि मैंने कभी ये यूज नहीं किए इलेक्ट्रिक टूथब्रश, पता नहीं कैसे होते हैं। ये देखो ये तो 225 यूरो का है, कैसे लग रहा है एकदम टूथब्रश ये। और ये है सारा रेजियर, रेजर का सेक्शन है। रेजियर तो जर्मन में बोलते हैं, बट ये इतने सारे रेजर्स के ऑप्शन है। ये देखो बेसिक वाला 10 यूरो से स्टार्ट होके सबसे जो आखिरी वाला है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली एंड पे दिखाती हूँ आपको, वो है 300 यूरो का, फिलिप्स का ये वाला रेजर। और लाइकवाइज लड़कियों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है एफिलेटर्स के, और लेटेस्ट वाले भी है। जैसे ये फिलिप्स का लेटेस्ट वाला जो है ये 469 का है, ये देखो। बट ये एपिलेटर नहीं है, ये तो वो आई थिंक लेजर वाला है ना। हाँ ये लेजर वाला है, बट एपिलेटर्स भी मिल जाते हैं, सस्ते भी है यहाँ पे। ये जो सस्ता वाला है आई थिंक वो 19 यूरो का है, 19 और 32 यूरो का। और ड्रायर और स्ट्रेटनर्स, इसके तो बहुत सारे ऑप्शन है, 20 यूरो से 15, देखो ये तो 15 यूरो का है, 15 यूरो से 118 यूरो तक, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड या आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से सारी चीजें मिल जाती है। और मैंने ये नोटिस किया पर्सनल हाइजीन वाले सेक्शन में ना, ये ब्राउन ब्रांड की बहुत अच्छी चीजें हैं, विच इज मोस्टली यूज्ड बाय पीपल हियर। बहुत सारे लोग ब्राउन ब्रांड की चीजें भी खरीदते हैं। जैसे ये देखो ये वाला भी जो हेयर ड्रायर है वो बहुत अच्छा है, सैटिन हेयर सेवन, मेरे पास भी ये वाला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर है ये, और बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे एक एक चीज दिखाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको और डिटेल जाननी होगी कि प्राइस कंपैरिजन करना होगा, या डिटेल में जानना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ये डिटेल्स भी देख सकते हो। मैं तो अभी आपको एक शॉर्ट ग्लिम्स दे रही हूँ सारी चीजों का, कि क्या क्या यहाँ पे मैं देख रही हूँ, या आपको मैं क्या दिखा सकती हूँ जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे देखने के लिए। बट ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है, तो यहाँ पे सभी कुछ मिल जाएगा आपको जो भी चाहिए है, राइट फ्रॉम टीवी फ्रिज से नॉर्मल बल्ब तक। तो अब मैं आई हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बाहर, इतनी बड़ी शॉप है ये, एक मतलब मॉल के अंदर दो फ्लोर तो इसी शॉप के लिए है, और यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिल भी जाती है। तो ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन जर्मनी। आई होप आपको भी देख के मजा आया होगा, और आपको भी पता लग गया होगा कि क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, और वो अराउंड कितने प्राइस की होती है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, और आपके चैनल फॉरेन की दुनिया को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, ऑफ वी डिज़ इन।